नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया प्रखंड के गोविंदपुर फेस्टू स्वाम कोलियरी कैंटीन में हरी प्रजापति दोनों समुदाय को इफ्तार करवाया और उन्होंने बताया कि मैं इस तरह का कई सालों से करवाते आया हूं और आगे भी करवाते रहूंगा। मैं निजी खर्च से प्रत्येक वर्ष 100 व्यक्तियों को निमंत्रण देता हूं। इस इफ्तार पार्टी में खास तौर पर मुख्य रूप से स्वांग प्रोजेक्ट ऑफिसर डीके गुप्ता, कोलियरी मैनेजर मनोज कुमार, आउटसोर्सिंग इंचार्ज विजय कुमार, समाजसेवी विकास सिंह, कृष्णा मंडल, आल बाबू भाई सहित कई लोग उपस्थित थे। बताते चले कि इस इफ्तार पार्टी में लगभग 100 व्यक्तियों ने इफ्तार किया एवं मगरिब की नमाज भी पढ़ा गया। दुआ में देश की अमन चैन शांति की दुआ भी की गई। देश मेरा जो यही है कि जो है आपसी भाईचारा जो है हम लोग इसी तरह जो है बना करके रखें। और इफ्तार जो है हम इसको काफ़ी दिनों से कराते आ रहे हैं। मैं यहाँ आया 2011 में, तब से मैं यहाँ पर इफ्तार पार्टी दे रहा हूँ और इस बार भी हमारी इच्छा हुई कि इफ्तार पार्टी दिया जाए और मैंने दिया। जो आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम राधेश श्याम राज हूँ। कोई पार्टी कोई संस्था से बिलोंग करते हैं? कोई संस्था नहीं, मेरा जो है एक संस्था है, वही सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति है। और उनका कौन सा पदाधिकारी है उसमें? हम लोग जो है संगठन मंत्री के पद पर। इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए काफ़ी खर्च होता होगा, खर्च कहाँ से जुड़ा पाता है? ये हम मेरा अपना ये आज का जो अफ्तार का पार्टी ये हमने जो है स्वयं दिया है, इसमें किसी तरह कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी पार्टी किसी भी लोगों का। आने वाला अगला क्या नया देखने को मौका मिलेगा? देखिए अगला यही है कि हम लोग जहाँ भी रहें आपस में भाईचारा इसी तरह बनाए रखें और हम लोग जो आपस में किसी भी तरह का जो है आपसी जो मतभेद होता है वह उसको भुला करके हम लोग जो है सद्भावना के मार्ग पर जो है चलने का कोशिश करें। कितने लोग अवतार किए हैं जी? कितने लोग अवतार किए हैं? हमने तो जो है 100 लोगों का जो है व्यवस्था रखा था और हमें आशा है कि 100 लोग जो है अवतार में आए भी और किए। वी टाइम न्यूज के लिए बेरमो से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।